الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़िल अफ़वा वामुर बिल उर्फे व आरिज अनिल जाहिली खुज़िल अफ़वा ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद माफ़ी नू दर गुजर नू मजबूती नाल पकड़ो वामुर बिल उर्फे और लोगानू नेकी वल बुलाओ नेकी दी दावत देओ व आरिज अनिल जाहली जाहलीन दे कोलों अपना चेहरा फेर लो इराज कर लो वाजिबुल एहतराम सामईन मोहतरम अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सनात दे बाद बेशमार ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस्सकलैन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी साते गिरामी ते साहिबो और अजीज साथियो मुसलमान भाइयों बड़े ही अदबां दे लायक परदे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी इस्लामी रूहानी पर्दा नशी माओ और बहनों जिस मुकाम आली शान नू मैं इस वक्त तिलावत कीता है रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन दी मुकद्दस और मुतहर कलाम कुरान मजीद दा नौवा पारा सूरत दा नाम सूरा अल आराफ सूरत दा रुकू 23वां और सिपारे दा रुकू 13वां इस कायनात दे अंदर रब्बुल आलमीन ने मेरी और तुहाड़ी रुश्दो हदायत वास्ते बेशमार कसीर तादाद अंदर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नू मबऊस फरमाया जिन अंबियाए किराम ने
इस कायनात दे अंदर आके अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान फरमाया, अपनी रिसालत दा प्रचार फरमाया और बेशुमार खूबियां रब्बुल आलमीन अंबिया दे अंदर रखदे ने, जमा फरमांदे ने। सब तो आखिर रब्बे कायनात ने मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद अलैहि सलातो वस्सलाम नू इस कायनात दे अंदर भेजिया। आप आन दे लिहाज नाल इस दुनिया दे अंदर तमाम अंबियाए किराम तो बाद विच आए ने, लेकिन बगौर अगर रब दे कुरान दा मुताला कीता जाए, वरग गर्दानी कीती जाए तो पता ए चलदा आए सब तो बाद विच ने, लेकिन अजमत दे लिहाज नाल मेरे आका सब तो अगे ने। मेरे महबूब दा शान बहुत ज्यादा, मुकाम बहुत ज्यादा है। मैं तो इंज कहा करना कि ओ शान शान नहीं, ओ मुकाम अजमत अजमत नहीं जड़ी मेरे तेरे महबूब दे अंदर नहीं। और बेशुमार खूबियां रब्बे कायनात ने मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अता फरमाइया ने, बेशुमार खूबियां। बल्कि मैं इंज कहां कि हर खूबी दी अगर रब ने अखीर की है ते तेरे मेरे महबूब ते अखीर की है। ओ खूबी खूबी नहीं जड़ी मेरे तेरे महबूब नबी दे अंदर नहीं। बेशुमार खूबियां मेरे महबूब गुफ्तार दे आला, रफ्तार दे आला, सदाकत दे लिहाज नाल सब तो आला, बेशुमार खूबियां ने। वक्त खत्म हो सकता है, वक्त मुक सकता है, दिन राता खत्म हो सकदियां ने, मेरे और तेरे महबूब नबी दियां खूबियां खत्म हो सकदियां, गज के बोलो हो सकदियां, नहीं हो सकदियां। बेशुमार खूबियां रब ने अता फरमाइया ने। आज मैं मुख्तसर खुतबे जुमा दे अंदर दो सहबाब दे सामने ज्यादा नहीं बेतफसील दो खूबियां दा तज़किरा करना चाहना कि ऐसियां दो खूबियां जड़ियां रब ने मेरे महबूब नू अता फरमाइया ने। अल्लाह करे उन्हां खूबियां दे मुताबिक असी भी अपनियां जिंदगियां नू ढालिए और उन्हां खूबियां नू असी भी अपनाने दी कोशिश करिए। बड़ियां आला खूबियां मेरे महबूब दियां, लेकिन सारियां खूबियां विचों सिर्फ दो खूबियां बयान करन दी मैं जसारत करांगा। अल्लाह मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करे कि मैनू तेनू अल्लाह उन्हां खूबियां नू अपनान दी भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो आइए गौर फरमाना, तवज्जो करना, खूबियां बड़ियां आला। एक मेरे महबूब दी खूबी है अमानतदारी। की खूबी है? आप अमानतदार बन के आए, मेरे महबूब अमानतदार बन के आए। और एक खूबी है नबी पाक तहम्मल मजाजी नू इख्तियार करने वाले, मेरे महबूब नू गुस्सा आउंदा। अब बोलो गुस्सा आउंदा? मेरे महबूब नू गुस्सा नहीं आउंदा। ऐ दो खूबियां दा मैं तज़करा करांगा, अल्लाह मैनु हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। तो आइए गौर फरमाना, मेरे आका जिस तरह सारियां खूबियां दे अंदर सब तो आला ने, इसे तरह मेरे आका अमानतदारी दे लिहाज नाल भी सब तो आला ने। आप दी अमानतदारी, आप दी दयानतदारी, या इंज कह लो अपने ते तरीफा करे ही करदे ने। यार सज्जन बेली तरीफा करे ही करदे ने,
अपने तरीफा करे ही करते ने रिश्तेदार भैना ते भरा बरादरी वाले तरीफा करया करते ने मजा ते इस बात अंदर आंदा बेगाना भी तारीफ करे अगयार भी उठ के तारीफ करे ते मेरे महबूब दियां इन्हां दोनों खूबियां दियां तारीफा अपने तो अपने बेगाने भी करते ने मेरे आका दे अखलाक दियां तारीफा मेरे महबूब दी तहम्मल मजाजी दियां तारीफा अपने तो करते ही करते ने बल्कि इंज कवो कि मेरे महबूब ते आमिना दे लाल अली सलाम ते ए खूबियां लैके आई आए ने जिन्ना सहाबा दी मेरे महबूब ने तरबीयत फरमाई है ओ सहाबा दियां भी दुश्मन तारीफा करते ने मजा ते इस बात अंदर है ते रब दे कुरान ने ऐलान फरमाया रब्बे जुल जलाल ने ना मेरे महबूब नु हुक्म फरमाया आर्डर फरमाया आर्डर की है आओ अल्लाह दा कुरान सुनना मुहब्बत और प्यार दे नाल और अपने दिल दी बंजर जमीन नु रब दे कुरान दे नाल शादाब ते आबाद करके ले जाना रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बाने नबुवत तो ऐलान फरमा दियो अल्लाह फरमान देने खुज़िल अफवा वामर बिल उर्फे वारिज अनिल जाहली रब्बे जुल जलाल ने आर्डर फरमाया और हुक्म करने वाली जात भी सब तो आला है ते जिन्नू हुक्म हो रहे है वो भी सारी कायनात तो आला ते अर्फ है रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने खुज़िल अफवाल ए मेरे प्यारे पैगंबर नरमी नु मजबूती दे नाल पकड़ लो खुज़िल अफवाल ए मेरे प्यारे पैगंबर नरमी तहम मल मजाजी नू मजबूती दे नाल पकड़ लो रब्बे कायनात दा कुरान रब आर्डर फरमा रहा ने वामर बिल उर्फे और लोका नू नेकी दियां दावता देन वाले बन जाओ लोगा नू नेकी वाल बुलाओ नेकी दी दावत तीन हुक्म रब ने फरमाए ने तीन नंबर एक खुज़िल अफवा खुज़िल अफवा सोनिया महबूबा नरमी नू मजबूती नाल पकड़ लो ते नंबर दो वामर बिल उर्फे और लोका नू नेकी दी दावत दियो नेकी वाल बुलाना है सुबहान अल्लाह लोगा नू नमाज दी दावत दियो लोका नू किताब हिकमत दी दावत देनी है वामर बिल उर्फे लोका नू कुताबो सुन्नत दी दावत देनी है वा आरेज अनिल जाहली ते जाहल लोगां दे नाल कदी जनाब गल बात मत्था लग जाए जड़े जाहल लोग ने दीन तो दूर लोग ने ना ओना तो चेहरा फेर लेना है ओना तो एराज करना है सुबहान अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम मैं तो कहा करना वाए मेरे आका हर लिहाज नाल आला है लेकिन अगर मैं नबी पाक दी अमानत दारी दा तज़किरा करा मैं नबी पाक दी तहम्मल मसाजी दा तज़किरा कराना है रब दा कुरान बोल दे रब दा कुरान ऐलान कर दे इंज ना मक्के दे लोग जड़े मक्के दे चौधरी सरदार सन दुश्मनान ए इस्लाम दुश्मनान ए अंबिया मेरे महबूब दे दुश्मन लोग इंज ना एक दिन मक्के दे एक चौक दे अंदर जमा हो गए इकट्ठे हो गए इन्हां ने जड़ी गल की ना जड़ी साजिश की रब ने कुरान अंदर उदा तज़किरा फरमाया पता की आंदे ने वकालू या अयो हल्लजी नुज़िला अलैकल किताब इन्नका लमजनून
ए लोग जमा हो के भला की आंदे ने मेरे महबूब दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे आंदे ने ए कहंदा मेरे ते किताब नाजल हुंदी है असी नहीं मनदे असी ता एनु नाउज़ु बिल्ला मजनून कहने आए असी ता एनु साहर असी एनु मजनून दीवाना कहने आए आमिना दे लाल अली सलातो वसलाम परेशान बंदे दा दिल ते परेशान हो जांदा है ना अल्लाह मैं इन्हां नू तौहीद दी दावत देवा अल्लाह मैं इन्हां नू एक रब वल बुलावा मैं इन्हां नू जहन्नम दे रस्ते तो उतार के जहन्नम दी दलदल अंदरों निकाल के अल्लाह मैं इन्हां नू जन्नत दे रस्ते पाना चाहना वा अल्लाह ए मेरे बारे इंज दियां गल्लां करदे ने इंज दियां जनाब जुबाना खोलन डए ने बंदा परेशान हो जांदा है यार दूसरी गल ए भी है नजर आ तसव्वुरात दी दुनिया अंदर वेखिए गौर करिए ना है यार कोई बेगाना गल करे दुख ते ओदा भी हुंदा है कोई दुश्मन उठ के गल करे दुख ते ओदा भी हुंदा है ओदे भी गल दी तकलीफ ते बहुत ज्यादा हुंदी है लेकिन कोई अपना उठ के गल करे कोई अपना उठ के गल करे अपना रिश्तेदार उठ के गल करे अपना भरा चाचा ताया उठ के गल करे बंदे दे दिल नू ज्यादा तकलीफ पहुंचती है ओए पत्तो की दे गयूर मुसलमान ना है ए बेगाने गल्ला नहीं कर रहे अपनी बरादरी दे लोग सके चचे ताए गल्ला कर रहे ने अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपने उठ के गल्ला करन दया ने आसमाना तो रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे प्यारे पैगंबर सोनिया परेशान नहीं होना अल्लाह ए मैनू मजनून कहन दया ने ते रब कहंदे ने तुसा नहीं जवाब देना मैं आपे ही इन्हां नाल गल कर लवांगा रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने ए लोग कहंदे ने इन्ना काला मजनू ते मैं रब की कह रहा अल्लाह फरमांदे ने मैं रब कह रहा वां नून ए आंदे ने इन्ना काला मजनून रब कहंदे ने मैं कह रहा वां नून वल कलमी वा मा यस्तरून मा अंता भी नियमत रब्बी का भी मजनून व इन्ना ला काला अजरन गैरा ममनून व इन्ना काला आला खुलकिन अजीम ए कहंदे ने मजनून नाउज़ु बिल्लाह मैं रब कहना वा मैनू कलम दी कसम अल्लाह ने कसमा उठा के हुण वेखो ना गौर करिए शेख साहब गौर करिए तवज्जो करिए मैं गल करा मेरी गल अंदर वजन ज्यादा है लोग कहिंदे ने लो जी मस्जिद दे इमाम खतीब साहब ने यह गल की थी बड़ी वड्डी गल है इंतजामिया का कोई साथी गल करे नमाजी गल करे यार पांच वक्त का नमाजी है इन्हें गल की थी है एदी गल विच ते शक है ही कोई नहीं बड़ा नमाजी बंदा है नेक बंदा है ते जे मैं गल करा तुसी गल करो कसम चुक के ते फिर गल च वजन होर ज्यादा होएगा यार नमाजी बंदा है नमाज पांच वक्त दी पढ़ता है इमाम है खतीब है कसम चुक के गल कर रहा है ते जे कसम चुक के गल करे अरस आसमान वाला रब जे कसम चुक के गल करे आसमान वाला रब ते ओदे विच शक हो सकदा हालांकि अल्लाह तुसी वैसे भी गल करो साडा मनन दा हक बनदा है तुसी दाता हो असी मंगते आए अल्लाह वैसे भी तुसी गल करो साडा मनन दा साडे ते फर्ज है तुहाडी हर गल नू मनना है अल्लाह तुसी माबूद हो असी आबदा असी साजदा तुसी मसजूद हो ते अल्लाह जे कसम चुक के गल करन आए रब ने कसमा उठाइया है अल्लाह
ਨਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਵਲ ਕਲਮ ਵਾ ਮਾਇਸਤਰੂਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੋਹਣਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜਨੂਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਅਲਾ ਖੁਲਕਿਨ ਅਜ਼ੀਮ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਲਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੀ ਤਹੱਮਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਕੈਸਾ ਜਨਾਬ ਅਖਲਾਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਯੂੰ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਬਹਾਏ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਯੂੰ ਜਿਸਨੇ ਦਰਿਆ ਬਹਾਏ ਦਿਲ ਉਨਕਾ ਬਿਛੀਨਾ ਜੋ ਸਰ ਲੈਨੇ ਆਏ ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਖੁਦ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਜਵਾਹਿਰ ਲੁਟਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰੋਂ ਕੌਣ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰੋਂ ਕੇ ਗਮੇ ਭੁਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰੋਂ ਕੇ ਗਮੇ ਭੁਲਾ ਦੀ ਦਿਆ ਦਰਦ ਜਿਸਨੇ ਉਸੇ ਵੀ ਦੁਆ ਦੀ ਕੌਣ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਵਾ ਖੈਬਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਜ਼ਵਾ ਖੈਬਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਖੈਬਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਹਾਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਖੈਬਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸਵਦ ਰਾਈ ਅਸਵਦ ਰਾਈ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਔਰ ਹੈ ਅਸਵਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਅਸਵਦ ਰਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਛੇੜੂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸਵਦ ਰਾਈ ਆਏ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਵਦ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਅਸਵਦ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੱਲੱਲਾ ਸਲਮ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਵਦ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਅਸਵਦ ਨਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸਵਦ ਰਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਵਦ
तू कलमा पढ़ेगा दायरा इस्लाम अंदर दाखल होएगा, ओदे बदले विच मेरा अल्लाह तेनू आपदे जन्नत दा हकदार बना देवेगा। एदे बदले अंदर अल्लाह जन्नत अता फरमानगे, अल्लाह जन्नत देंगे। ते अस्वद दी ना हैरानगी दी हद ना रह गई, परेशान हो गया, कह लगा अच्छा अल्लाह दे रसूल मैं काले रंग दा ते मैनू भी जन्नत मिलेगी। इन्हें अस्वद ने समझिया कि खरे बड़िया सोहनिया चेहरिया वालिया उथे जन्नत में जाना है, चिट्टे रंग वाले जन्नत में जाना है। हालांकि अल्लाह दे हार रंगा की कदर, गज के बोलो रंगा की कदर, रब दे हां कदर ते तकवे दिए। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, अल्लाह दे हां कदर जनाब जट्टा बट्टा अराइयां या मैरां दी नहीं, काले रंग चिट्टे रंग वालियां दी नहीं, अल्लाह दे हां ते कदर तकवे दी बुनियाद है। तकवा तेरा जिन्ना ज्यादा होएगा ओना ही तू रब दा महबूब बंदा बन जाएगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आका फरमांदे ने हां हां अस्वद तू कलमा पढ़ेगा ओदे बदले विच मेरा अल्लाह तेनू जन्नत ता फरमा देंगे। ते दूसरी गल अस्वद सुन ले, अगर जन्नत वेच गोरे रंग वालियां जाना हुंदा ते मेरा चाचा अबू लाब कदी जहन्नम वेच ना जांदा। लाहब ना लाहब अग दे अंगारे नू क्या जांदा, अग दे अंगारे नू शोले नू क्या जांदा। ते नबी पाक दा जिहड़ा चाचा है ना अबू लाहब ओदे जे रुखसार ने इंज भखदे ने जिवें किसी ने अग का कोयला इहदे चेहरे ते रखिया होया। नबी पाक फरमांदे ने उत्थे गल चिट्टे काले रंगा दी नहीं। अस्वद कहन लगा सोनिया अगर कलमा पढ़न दे नाल मैनू जन्नत मिल जाए सौदा महंगा कोई नहीं। आका मैनू कलमा पढ़ाओ ते मुसलमान फरमा दियो। इन्हें कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया। गल मैं करना चाहना वा अमानतदारी दी, गल करना चाहना नबी पाक दी दयानतदारी दी। हुण बकरियां इहदे कोल मौजूद, नबी पाक फरमांदे ने अस्वद तू साडा बन गया पर आ बकरियां साडियां, बकरियां साडियां नहीं, तू कलमा पढ़ लिया दायरा इस्लाम अंदर आ गया, तू साडा बन गया पर बकरियां साडियां नहीं। हालांकि यह भी नबी पाक नू पता है चंद मिनटा थोड़ी देर दे बाद सारा माले गनीमत सानू ही मिल जाना है, लेकिन नबी पाक ने इस तरह रखिया। आ फरमाते ने जा जी दियां बकरियां है ने ना उन्हू वापस दे के तू आ जा। ते अस्वद कहन लगा सोनिया जे मैं चला गया मैनू माया मोया मर गया आन देना है, आका मैं चला गया फिर मैनू किन्ने वापस आन देना है। ते नबी पाक फरमाते ने अस्वद फिर इस तरह असी अमानत अमानत दे अंदर खयानत कर सकते, बोलो कर सकदे। ते मेरे महबूब ने अमानत विच खयानत कीती असा कदी छड़ी पक्के रहा जे, असा कदी छड़ी नहीं। साडे हाथ कोई चीज आनी चाहीदी है, हलाल आ जाए हराम आ जाए साडा पेट भरना चाहीदा है। ते फिर दावे इश्के मुस्तफा दे मुहब्बत मुस्तफा दे दावे साडे बड़े उच्चे ने। ओए सोनिया कल्लियां दावियां नाल नारियां नाल गल नहीं बननी, गल उदों बनेगी जदों आमिना दे लाल दी बात नूं सुन के उहदे ते अमल करके दिखाएगा। आ फरमांदे ने अस्वद इंज करे लै जा बकरियां ते दूरों खलो के जिहदियां है ने उहदे घर वाड़ के तू उथों ही वापस आ जाई, असां नहीं रखनियां। अमानतदारी होए ते ऐसी होए इत्थे ही बस नहीं। अज मक्के दे जनाब चौधरी मक्के दे सरदार कट्ठे हो गए, अज फलाना बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है, अज फला बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। यार दिन ब दिन नबी दे नाल लोग जुड़ते जाते हैं,
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਬਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਦਾਰੁਨ ਨਦਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਇਸ ਯਮ ਕਰੂ ਬੀ ਕੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਫਾਰੂ ਲੈ ਯੁਸ ਬੈ ਤੂ ਕਾ ਆਉ ਯਕ ਤੋ ਲੂ ਕਾ ਆਉ ਯੁਖਰੇ ਜੂ ਕਾ ਵਾ ਯਮ ਕਰੂ ਨਾ ਵਾ ਯਮ ਕਰੂ ਲਾ ਵੱਲਾਹੁ ਖੈਰੁਲ ਮਾ ਕਰੀ। इन्ना मुशरिकी ने मक्का ने मीटिंग बुला ली है, इन्होंने फैसला कर लिया इस नबी नू सफ़े हस्ती तो मिटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह, अल्लाह ने आसमाना तो कुरान नाज़िल फरमा दिता। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया हुण तुसा मक्के रहना, हुण तुसी मक्के नहीं रहना, हुण तुसी मक्का छोड़ के मदीने चले जाओ, हिजरत फरमा जाओ। अच्छा, अल्लाह वालों, अल्लाह वालों आर्डर मिल गया, हुक्म मिल गया, ते नबी पाक ने तैयारियां फरमाइया। और जरा गौर नाल सुनिए, गौर करिए, तवज्जो करिए, यार केड़ा जुलम है जेड़ा मेरे नबी नाल मक्के वालिया नहीं कीता। मेरे महबूब दे रस्तियां ते कांटे खलारे गए, मेरे महबूब नू पत्थर मार के लहू लुहान कीता गया, मेरे महबूब दे बिलाल दे पैरां विच रस्सियां पा पा के इन्हां बेईमानां ने मक्के दियां गलियां विच घसीटे आए, मेरे महबूब दियां बेटियां नू तलाकां इन्हां दित्तियां। यार केड़ा दुख है जेड़ा मेरे नबी नू इन्हां नहीं पहुँचाया। आका चांदे जो मर्जी कर सकते सन, लेकिन मेरे आका जान लगे जनाबे अली गुल मुर्तजा नू बुलाया है। आप फरमांदे ने अली मैं टुर चलिया वा। आका किधर जा रहे हो? अली मैं मक्का छड़ के मदीने जा रहा है, मैनू अल्लाह वालों आर्डर हुक्म हिजरत दा मिल गया है। ते जनाबे अली कहन लगे महबूब सोने आए, हिजरत दा आर्डर तुहानू मिले है, मेरे वास्ते की आर्डर है? मेरे वास्ते महबूबा की हुक्म है? आ फरमांदे ने अली एल ऐ अमानता ले ले मक्के वालियां दियां, ओ मेरे बिस्तर ते सौ जा, सुबह उठ के इन्हां दियां अमान ता वापस करके मेरे पीछे आ जाई। जनाबे अली उल मुर्तजा कहन लगे महबूब सोनिया, इन्होंने कुछ साडे नाल चंगा कीता है, कुछ अच्छा सलूक कीता है? नबी पाक फरमांदे ने अली मैं इन्हां दियां अमानतां विच खियानतां कर सकदा। हालांकि आका ले जाना चाहते, ले जा सकते सन जो मर्जी कर, लेकिन मेरे आका ने अमानत विच खयानत की। माल किन्ना दा, अमानता किन्ना दियां, काफरां दियां, दुश्मना दियां। नबी ने ते दुश्मना दी अमानत विच भी खयानत की। जनाबे अली ये भी नज़र आन लिया है, बाहर लोग नंगियां तलवारां लैते खड़े ने। किसे पुछन वाले पुछया ना जनाबे अली गुल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, अली हिजरत वाली रात तेनू नबी दे बिस्तर ते नींद आ गई सी, नींद आ गई सी? ते जनाबे अली उल मुर्तजा कहन लगे हुए पुछन वाले आ, जिन्नी गूड़ी नींद मैनू उस राती आई है, उस तो बाद आई कोई नहीं। अल्लाह, आका मक्के चले गए। हुन नबी पाक इन्हां दा मुकाबला निशन कर सकते? जाहरी असबाब कोई नहीं, साथी कोई नहीं, असलहा कोई नहीं। आका मदीने चले गए, कुछ दिन गुजरे ते मक्का रब ने फतह फरमा दिता। मक्का फतह हो गया। हुण जो मक्का फतह होया ना, उदो साथी भी नहीं सन, असलहा भी नहीं सी, मुकाबला नहीं सन कर सकने, इन्हों का कुछ बिगाड़ नहीं सन सकते। अज मक्का फतह होया, अज नबी कोल फौज भी है वे ते असलहा भी है वे, फौज भी है वे, असलहा सब कुछ मौजूद है। ते नबी पाक फाते मक्का बन के आ रहे ने, ते अंदाज मेरे नबी दा कैसा है? इंज सवारी ते मेरे आका सवार ने,
सवारी ते आका सवार ने ते मेरे नबी ने अपना चेहरा गर्दन थले जमीन वाल झुकाई है। अज मेरे नबी चांदे मक्के वालियां दी इट नाल इट वजा सकदे सन, फिर मक्के वालियां दे जुलम ते ज़ियातियां भी याद ने। इन्हां मेरी समीया नू शहीद कीता, इन्हां ने जनाब बड़े दुख पहुंचाए ने। मेरे आका वापस मक्के आ रहे ने, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन अंदाज की है? नबी पाक दा अंदाज कैसा है? इंज अपनी गर्दन जमीन वाल झुकाई है, सवारी ते बैठे ने ते आपदी जुबान तो आंदे ने अलहम्दुलिल्लाह वाहदा, अलहम्दुलिल्लाह वाहदा अन जाजा वादा व नासारल अहजाबा वाहदा व नासारा अबदा व हाजमल अहजाबा वाहदा। जनाबे आमिना दलाल ने फरमाया है, ओए कायनात दे लोगो, सारियां तारीफा उस अल्लाह दियां ने जेड़ा कल्ला ही अल्लाह है, सारियां तारीफा ओदियां ने अनजाजा वादा है, जिन्ने आज आपदा वादा सच्चा करके दिखाया है। ए कायनात दे लोगो, आज रब ने मक्का फता कीता है, एदे अंदर मुहम्मद दा ते कमाल ही कोई नहीं, मैं एदे वेच ते मेरा कोई कमाल नहीं, ए सारा कुछ आज कीता है ते अरश वाले रब ने ही कीता है। आका मक्के दाखल होए, बैतुल्ला अंदर दाखल होए ते बैतुल्ला दे अंदर लोग जमा ने, खवातीन भी मौजूद ने, ते एक बीबी ना एक खतून उठी ते कहन लगी सोनिया मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान फरमा दे। आका मैनू कलमा पढ़ा दियो, नबी पाक ने कलमा पढ़ाया, बीबी कलमा पढ़िया शहरती हो गई। ते सहाबा कहन लगे सोनिया, तवज्जो आखिरी बात, सहाबा कहन लगे सोनिया ऐ जड़ी बीबी ने कलमा पढ़िया इनू जान दो। आका इनू जान दो? आ फरमाते ने भाई मैं नहीं पहचानता। एक साथी कहन लगा सोनिया ए जड़ी बीबी है अबू जाल दी नूं जे, अबू जाल दी नूं जे, अबू जाल दा बेटा इकरमा ओदी बीवी जे। वेखो इस्लाम ने किथे जा के झंडे गड्डे ने, किथे जा झंडे इस्लाम ने गड्डे। अबू जाल इस्लाम दा नबी दा दुश्मन नंबर एक के, रब ने ओदे घर विच भी इस्लाम दा पौधा लगा दिता। कलमा पढ़ दिए, नबी पाक को लाई, कहन लगी सोनिया अगर तुहाडी इजाजत होए ते आपदे खामद इकरमा नू लै आवां। आ फरमांदे ने जा लै आ। मेरे महबूब ने गुस्सा फरमाया ऐदा ना है खुजिल अफवा, सारा कुछ कर सकते ने, बदला ले सकते ने, जुलम सारे याद ने, लेकिन मेरे नबी ने बदला लिया, खुजिल अफवा माफी दीती। आका फरमांदे ने जा लै आ। गई ए ना यमन दे रस्ते ते किते लुकिया है, दस्या पिछे गई ते जाके कहन लगी वे इकरमा आ जा, मैं नबी पाक कोलो तेरियां भी इजाजतां लै आईयां। इकरमा आ जा चलिए नबी पाक कोल। ते इकरमा कहन लगा आंदा नी मेरी ये बीवी है मेरा दिल नहीं मनदा, मैनू भी नबी पाक ने माफ कर दिता है। ते ए कहन लगी हाँ हाँ आ मैं नबी पाक को इजाजत लैके आई आए। ते ए कहन लगा मैं इंज नहीं जाना, मैनू कोई निशानी लिया के दे नबी पाक दे कोल। ए फिर वापस नबी पाक को आउंदी है, आके कहन लगी महबूब सोनिया इकरमा ते बहुत ज्यादा तुहाडे कोलो डर गया है, इकरमा कोई निशानी मंगदा है, आका कोई निशानी दे दियो। मेरे महबूब ने अपनी मुसम्मल चादर उतार, आप फरमांदे ने लै इकरमा दी बीवी ऐ मेरी चादरी बतौरे दलील लै जा। इंज ए जनाब जदों लै के गई ना, इकरमा भी आया कलमा पढ़दा मुसलमान हो जांदा है। इंज एक बंदा इथों उठया मजमे आम दे अंदरों ते उठ के कहन लगा सोनिया
अज तुसी माफिया पे देंदे हो ते मैं भी एक सवाल करना चाहना वा। आका फरमांदे ने दस तू की कहना चाहना है। कहन लगा सोने आए अगर तुहाडे सामने तुहाडी बेटी दा कातल आ जाए हिबार बिन असवद आ जाए क्या ओनू भी तुसी माफ कर दोगे। ते नबी पाक फरमांदे ने तेरा ना हिबार बिन असवद है। कह लगा हाँ हाँ मैं ओ ही बदनसीब हिबार जिन्हें नेजा मार के तुहाडी बेटी नू शहीद कीता सी। नबी पाक फरमांदे ने हिबार वाला बेटियां दे दुख किन्नू भुल देने वाला बेटियां दे दुख केड़े मापे भुला सकते ने। बेटियां दे दुख ते कोई इंसान नहीं भुला सकता। हे बार गल सुन जे तू आ गया ते जा मैं तेनू भी अज माफी कर देना वा। जा हे बार मैं तेनू भी माफ कीता लेकिन हे बार मेरी एक गल सुन ले तू मेरे सामने ज्यादा ना आई। तू मेरे सामने आएगा मैनू मेरी बेटी जैनब दा दुख बड़ा सताएगा। हे बार बहुता मेरे सामने ना आई यार क्यों ना माफ कर दे खुजिल अफवा वा अमर बिल उर्फे वा आरिज अनिल जाहली। मक्का फतह हो गया। मक्का फतह हो गया। फला इलाका फतह फला इलाका। आज वापसी जा रहे ने नबी पाक मदीने वाल ते आप फरमाते ने मेरे सहाबा आप रस्ता चेंज कर लीए हुनैन वालों तुर चलीए। हुनैन वालों चलीए। हुनैन की आबादी को 6,000 लोगों ते मुश्तमिल ने। बकरियां ऊंट भी काफ़ी सारा माल अल्लाह ने माले गनीमत ही दिता। तो सहाबा लैके इन्हों कैदियों लैके जा रहे ने ते इन्हों कैदियों के अंदर मर्द भी ने औरतां भी ने मर्द भी ने औरतां भी ने ते हथकड़ियां लगियां ने। ते एक बीबी ना एक बीबी एक खतून बार बार सहाबा नूं कहिंदी है वे नबी दियो यारो वे नबी दियो फौजियो मेरी मुलाकात आपदे नबी नाल ही करवा दियो मेरी मुलाकात आपदे नबी नाल ही करवा दियो। ते सहाबा कहन लगे बीबी तू साडे नबी नूं किवें जाननी है तू किवें जाननी है साडे नबी नूं कोई पहचान है ही। ते बीबी कहन लगी वे नबी दे ओ फौजियो मुलाकात तुसी करवा दियो राज आपे ही खुल जाणगे। मुलाकात तुसी करवा दियो राज आपे ही खुल जाणगे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। शाबा गए अल्लाह दे नबी एक औरत है खतून है ते तुहाडे नाल मुलाकात करना चाहती है बार बार इशरार पे करती है। ते आ फरमांदे ने बुला लो कोई गल नहीं लैओ। ते बीबी जदों नबी पाक दे सामने आई ना एदी उम्र कोई 55-56 साल दी उम्र उम्र ज्यादा है। ते नबी पाक नाल इहदी मुलाकात कोई 55-56 साल बाद होई है। सामने आई सिर दे अंदर वालां दे अंदर सफेदी आ गई है ते मेरे महबूब दे सामने खड़ी है ते मेरे नबी दा चेहरा पुर अनवार तकी जांदी है। आ फरमांदे ने बीबी तू कौन है ते कित्थों आई है तू कौन है कित्थों आई है। ते बीबी पते की आंदी सुन वे पीर पीरां दे आ पीरां तू बैठा है वेच कचहरी मैं परदेसन दूर दुराडी ते गल सुनी एक मेरी ते गल सुनी असी गरीब कंगाल नमाने तारफ करवान लगी है असी गरीब कंगाल न माने ते तुसी सरदार उचेरे दुख दर्दा दियां गल्लां करनियां मैं आज कुछ नाल ने तेरे ते आंदी की है सुन वे वीरा बदर मुनीरा
सुन वे वीरा बदर मुनीरा ते आलम दे सरदारा, मैं आ तेरी पैन रजाई ते तू है वीर प्यारा। वे वीरा कर साडे विच तू परवरश पाई ते गल्ला याद कराइया, मैं शीमा मेरी मां हलीमा, वीरा मैं शीमा मेरी मां हलीमा, असी दोवें आ तेरियां दाइयां। ए गल सुन के छम छम रोवे रब दे नबी प्यारे, इंज नबी पाक दा तआरफ करवांदी है भई मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रही कुल मखतूम अंदर लिखे है। इंज तआरफ करवांदिया करवांदिया बीबी शीमा अपने इंज बाजू तो पर्दा कपड़ा पीछे हटांदी है, आंदी है वे मेरे वीरा तू निके हुंदिया मैनू इत्थे छोटी जी दंदी वड्डी सी, वे वीरा जी दा निशान भी हाले मौजूद है, वीरा मैं तेरे दरवाजे ते आईया जदो तू वीर निका जिहा हुंदा सै, मैं तेनू लोरियां देता करदी सां ते आंदी हुंदी सां या रब्बे अब कीला ना मुहम्मदा हत्ता अरा हो या फिउं व अमरदा। वे वीरा मैं तेनू लोरियां देंदी हुंदी सां आंदी सां अल्लाह मेरे वीर नू सारी कायनात दा सरदार बना दे। ए भैन ने पता नहीं केड़े वेले गल्लां कीतियां ने, ओए पत्तो की देओ बासियो इरदा गिरत तो आन वालियो किताबो सुन्नत देओ परवाने हो दीवाने हो, पता नहीं केड़े वेले दियां भैन दे सुबान तो निकलियां गल्लां अल्लाह नू इन्नियां पसंद आईयां ने। अल्लाह फरमांदे होणगे नी शीमा तू अपने वीर नू एक महल्ले दा सरदार वेखना चाहुंदी सै, एक इलाके दा सरदार वेखना चाहुंदी सै। नीशिमा मैं तेरे वीर नू सारे जहाना दा सरदार बना दिता है। मेरे नबी पाक दे कोल आउंदी है ते नबी पाक फरमांदे ने शीमा आनी की है गल की है, आंदी है अज वीरा मैं भी कैदन बन के आईया तेरे द्वारे। ए गल सुन के छम छम रोवे रब दे नबी प्यारे, ते मोढ़िया उत्तों कंबल लागे पाक रसूल इलाही, हेठ विछाया शीमा कारण उत्ते अदबा नाल बिठाई। ओ इना भैणा दी कदर करया कर, इना भैणा नाल प्यार करया कर। ए विचारियां परदेसना कोई छे महीने साल बाद आ जान, इन्हां नूं सीने लाया कर, इन्हां दे दुखड़े सुनिया कर। अल्लाह सुल जलाल दी कसम है भैणा कदी भी तेरे कोलों आ के किसे चीज़ दा सवाल नहीं करनगियां, अल्लाह सुल जलाल दी कसम है कोई छे महीने साल बाद आ जांदियां ने अपने घर अक जांदियां ने थक जांदियां ने, आंदियां नहीं जावां अपने वीर दा चेहरा ही तक आवां, जावां अपने बाबल दा वेड़ा ही वेखावां। आउंदी ऐ ते आके वेंदी ऐ, आंदी ऐ ऐ ओ जगह ऐ जिथे मेरे अबू बैठ के साडे नाल गल्लां करिया करदे सन, ऐ ओ जगह ऐ जिथे साडी अम्मी जान बैठ के गल्लां करिया करदे सन, ऐ ओ महल ऐ ओ मकान ऐ ओ सेहने जिदे विच बैठ
है कि साडे अबू साडी अम्मी साडे नाल प्यार करया कर दियां सन। कोई 6 महीने बाद आ जाए इन्हां परदेसना नाल मत्थे वाट ना पाया कर, इन्हां परदेसना नाल गुस्सा ना करके विखाया कर। अल्लाह सुल जलाल दी कसम है, असा कदी भैणां दी मुहब्बत नूं समझिया ही नहीं, असा कदी भैणां दे प्यार नूं समझिया नहीं। बाप फौत हो जाए, वीर फौत हो जाए ना, जेड़ी सारी गड्डी दे विच सारे सफर विच अपने मुंह विच जुबान नहीं पांदी, इहनू भैण कहिंदे ने, इहनू जनाब बेटी कहिंदे ने। मेरे नबी ने दुध दी भैन रसाई भैन नाल इन्ना प्यार कीता। मेरे महबूब नूं जदों तारफ करवांदी है ते नबी पाक अपनी मुसम्मल मुदसर चादर उतार के अपनी भैन दे थले बिछा देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अदब कीता, एहतराम कीता, भैन चाहनी की है, वीरा असारे कैदी मेरे कबीले दे, वेखो मैनू भी हाथ कड़ियां लगियां। आपने फरमाया मेरे भैन दे आन दी वजह तो मैं अपनी रजाई बहन दूध शरीक बहन दा एहतराम अदब करना वा। मेरी भैन दी वजह तो सारे कैदियां दियां हाथ कड़ियां ही खोल दे, खोल दे हाथ कड़ियां। जदों हाथ कड़ियां खोलियां ना, तफसीर दियां किताबां अंदर लिखिया है, जदों इन्हां नबी पाक नूं देखिया, नबी दा अखलाक देखिया, तहम्मल मजाजी देखी, इन्हां सारे दे सारियां कलमा पढ़िया, दायरा इस्लाम अंदर दाखिल हो गया। खुजिल अफवा वामुर बिल उर्फ वआरिज अनिल जाहिलीन। अल्लाह दे हुजूर दुआ है, अल्लाह मैनू ते तुहानू कुरान सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह।